गाइस, ये वीडियो दोनों के लिए ही है, चाहे आप एक बीएलओ हो और या फिर आप एक वोटर कार्ड में ऐड करवाना चाहते हो पब्लिक को, है ना। तो दोनों के लिए ही है जिसका एज 21+ है ना, 21+ एज है, तो उनको एज डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कि फिल करने होंगे, और ऑफलाइन अगर करते हैं तो उसके साथ अटैच करने होंगे या फिर अपलोड करने होंगे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस टाइप का है जो कि BLO को दिया गया है ना। और आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो इंग्लिश वर्जन में ये मिलेगा आपको, लेकिन एक ही चीज भरने होंगे दोनों कंडीशन पे, चाहे फॉर्म हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना होगा, चलिए यही हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले है ना, 21+ आयु समूह के निर्वाचक के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए मैं यानी आपका अपना नाम, अगर आप बीएलओ हैं, अपना नाम नहीं, जिसका आप फॉर्म भरने वाले हैं उसका नाम, है ना, उसके पिता का नाम या फिर पति का नाम, है ना, जो भी यहाँ आपका लागू हो। और यहाँ पे निवासी यानी कि कहाँ के रहने वाले हो, आपको यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने निर्वाचन क्षेत्र आप देख सकते हैं ना, यानी आपका असेंबली जो होगा, है ना, विधानसभा, उसका यहाँ पे नाम भरने होंगे। और बाद बाकी यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा यानी कि उस आवेदक का, और यहाँ पे स्थान, प्लेस, और इस जगह पे आपको डेट फिल करने होंगे, और इसे ही आपको उस फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे, ऑफलाइन अगर आप भर रहे हो तो, या फिर ऑनलाइन अगर आप भर रहे हो तो उसे आपको इसी को अपलोड करने होते हैं, और उसकी साइज जो है कि 2 MB से कम का होना चाहिए, JPG PNG फॉर्मेट, है ना। तो इस टाइप से आप इसको भरेंगे। और मैंने अपने आधार पे बता दिया, हो सकता है मैंने कुछ बताने में गड़बड़ कर दी हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप लोग उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।